साल या शोरिया रोबस्टा का पेड़ भारत, म्यांमार और नेपाल में पाया जाने वाला विशाल पर्णपाती पेड़ होता है। यह औषधीय पेड़ है और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में हजारों साल से इसके विभिन्न हिस्सों का उपयोग पित्त, ल्यूकोरिया, गनोरिया, त्वचा विकार, अल्सर, घाव, दस्त और कमजोरी आदि बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। इस पेड़ से प्राप्त राल को साल डामर, बंगाल डामर, लाल धुना राल या धूम कहते हैं। इसमें बातनाशक, भूख बढ़ाने वाले और इससे त्वचा विकारों, नसों में दर्द, जलन के घाव, बुखार, पीलिया, दस आदि में उपयोगी होता है। यह गनोरिया और कमजोर पाचन के लिए भी लाभकारी होता है। इसके अलावा अल्सर, घावों और रजोनिवृत्ति के विकारों में भी ये लेने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं इसके लाभों के बारे में। साल करे घावों को जल्दी भरने में मदद। साल के पेड़ की गोंद पीड़ादायक सूजन के इलाज में बहुत उपयोगी होती है। इसमें राला नामक तत्व होता है जो इसे प्रभावी और रोगाणुरोधी बनाता है। ये घाव को जल्दी भरने में भी मदद करता है। साल है बेहतरीन दर्दनाशक। हड्डी का टूटना, फ्रैक्चर बेहद पीड़ादायक होता है। फ्रैक्चर ठीक होने में काफ़ी समय लगता है और इस दौरान काफ़ी देखभाल की जरूरत होती है। साल के पेड़ में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व भगना संधान ग्रंथ फ्रैक्चर को ठीक करने में काफ़ी उपयोगी होता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग किया जाता है। यह बगैर किसी दुष्प्रभाव के हड्डियां जल्दी जुड़ने और घाव भरने में मदद करता है। साल का उपयोग करें त्वचा के धब्बे, निशान दूर। साल में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा के दाग धब्बों से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। कई बार हमें चोट लग जाती है या कटने का गहरा निशान रह जाता है जिसके कारण त्वचा पर निशान रह जाते हैं। ऐसे में प्रभावित जगह पर साल से बनी औषधि के उपयोग से निशान हल्के पड़ जाएंगे और कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। साल के पेड़ का उपयोग करें प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत। हम सभी बिना सोचे समझे सड़क के किनारे मिलने वाली खाने की चीज़ों का आनंद लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह हमारे लिए हानिकारक है? लेकिन साल में बहुत से गुण हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर हमें इससे होने वाली हानि से बचा सकते हैं। साल का आंतरिक रूप से उपयोग करने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। साल का सेवन है दस्त में उपयोगी। आयुर्वेद में लगभग हर बीमारी का उपचार उपलब्ध है। इस चिकित्सा पद्धति में साल को बहुत महत्व दिया गया है जिससे बहुत सी बीमारियों का इलाज संभव है। साल के पेड़ में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है ग्राही। इसमें अवशोषण के गुण होते हैं जिससे यह दस्त का शास्त्रीय इलाज बन जाता है। साल के पेड़ के फायदे करें कान का संक्रमण ठीक। कान में संक्रमण और इससे जुड़ी अन्य परेशानियां बहुत पीड़ादायक होती हैं। कुछ मामलों में कान में संक्रमण के कारण सुनने की शक्ति भी चली जाती है। आयुर्वेद के अनुसार साल के पेड़ में कर्ण रोगहर नामक तत्व होता है जो कान के संक्रमण और कान की कई अन्य प्रकार की परेशानियों का इलाज कर सकता है। साल के लाभ करें शरीर की बदबू दूर। शरीर में से अत्यधिक पसीना आने से शरीर से बदबू आने लगती है। इससे व्यक्ति का स्वाभिमान कम होने लगता है जिसके कारण कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी होने लगती हैं। लेकिन आयुर्वेद में इस समस्या इलाज है जो साल के जरिए होता है। साल के पेड़ में स्वेदहर नामक तत्व पाया जाता है। यह पसीना कम करने और शरीर की बदबू दूर करने का बेहतरीन जरिया है। साल के गुण करें खुजली दूर। साल के पेड़ में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो खुजली ठीक करने में मदद कर सकते हैं। खुजली के कारण बहुत परेशानी हो सकती है और इससे दाने भी हो सकते हैं। खुजली के उपचार से आयुर्वेद उपचार के रूप में साल बेहद उपयोगी हो सकता है। साल के नुकसान। वैसे तो साल के पेड़ के विभिन्न हिस्सों के चिकित्सीय उपयोग के कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं,
दरअसल यह बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यह स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी दिया जाता है ताकि दूध ज़्यादा बने। हालांकि इसका उपयोग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य आयुर्वेदाचार्य से सलाह जरूर लें, विशेष तौर पर यदि आप गर्भवती हो या आप स्तनपान करा रही हों। व्यूवर्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। व्यूवर्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।